आज इस वीडियो में हम अगेन डेटाबेस एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने 130 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में। अगर आपने इन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, सेलेक्ट द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज। इनमें से कौन सा एंटिटीज का करेक्ट प्रॉपर्टीज है? ए स्विच बोर्ड्स, बी टेबल, सी ग्रुप, डी एट्रीब्यूट्स। करेक्ट आंसर होगा डी एट्रीब्यूट्स। एंटिटी का प्रॉपर्टी होता है एट्रीब्यूट। प्राइमरी की कैन बी, प्राइमरी की हो सकती है ए नल, बी नॉट नल, सी बोथ, डी डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। राइट आंसर होगा बी नॉट नल। प्राइमरी की टेबल में हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू होना चाहिए और इसमें नल वैल्यू नहीं हो सकते। एक टेबल में केवल एक प्राइमरी की हो सकती है और टेबल में इस प्राइमरी की में सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स और यू कैन फील्ड शामिल हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस। इनमें से कौन एक डेटाबेस का मॉडिफिकेशन नहीं है? फर्स्ट डिलीशन, सेकेंड इंसर्शन, थर्ड अपडेटिंग, फोर्थ सॉर्टिंग। राइट आंसर होगा फोर्थ सॉर्टिंग। ये मॉडिफिकेशन का कारण नहीं हो सकता है। बाकी जो आप तीन देख रहे हैं इसे आप कह सकते हैं, अगर आपने किसी टेबल से कुछ भी डिलीट कर दिया तो थोड़ा बहुत वो मॉडिफाई हो गया, या फिर कुछ आपने नया चीज को इंसर्ट किया अलग से तो भी टेबल में चेंजेस हुआ। थर्ड है आपने किसी पुराने चीज से कुछ नया अपडेट किया तो भी टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन सॉर्टिंग से कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। टू सिलेक्ट सम पर्टिकुलर कॉलम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड। किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा कमांड यूज होता है? यूनियन, सेलेक्शन, प्रोजेक्शन, ज्वाइन। राइट आंसर होगा सी प्रोजेक्शन कमांड का यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है टू सिलेक्ट सम पर्टिकुलर कॉलम्स। What do you mean by one to many relationships? One to many relationship का meaning क्या होता है? A. One class may have many teachers. एक class में कई teachers हो सकते हैं. B. Many classes may have many teachers. कई classes में कई teachers हो सकते हैं, लेकिन कितने ये आपको बताया नहीं जा रहा है. C. One teacher can have many classes. एक teacher के कई classes हो सकते हैं. डी मेनी टीचर्स मे हैव मेनी क्लासेस, मेनी टीचर्स के मेनी क्लासेस हो सकते हैं, यहाँ पे भी आपको नहीं बताया जा रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वन टू मेनी रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है? तो राइट आंसर होगा सी वन टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस, एक टीचर के कई क्लासेस हो सकते हैं। वॉट इज द लॉजिकल डिजाइन एंड स्नैपशॉट ऑफ डेटा एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम कॉल्ड। किसी गिवन टाइम में डेटा के लॉजिकल डिजाइन और स्नैपशॉट को क्या कहते हैं? ए बी सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा ए स्कीमा एंड इंस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस एंड insert tuples into, delete tuples from and modify tuples in the database। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। इनमें से कौन डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को क्वेरी करने और टपल्स को डेटाबेस में इंसर्ट, टपल को डिलीट और डेटाबेस में टपल्स को मॉडिफाई करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है? ए क्वेरी, बी रिलेशनल स्कीमा, डी DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आंसर क्या होगा,
डी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DML. अ मेजर गोल ऑफ DB सिस्टम इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्लॉक ट्रांसफर्स बिटवीन डिस्क एंड मेमोरी. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन अचीविंग दीज गोल्स. DB यानी कि डेटाबेस सिस्टम का एक मेजर गोल डिस्क और मेमोरी के बीच ब्लॉक ट्रांसफर की नंबर को कम करना है. रिड्यूस बोला जा रहा है यानी कि कम करना है. इनमें से कौन इस गोल को अचीव करने में मदद करता है? बफर, कैटलॉग, स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज. तो आंसर क्या होगा? ए बफर. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचेस. इनमें से कौन सा कमांड रिलेशन टीचेस में वैल्यूज को डिलीट करने के लिए सही है? डिलीट फ्रॉम टीचेस वेयर ID इक्वल नल, रिमूव टेबल टीचेस, डिलीट फ्रॉम टीचेस, ड्रॉप टेबल टीचेस. तो आंसर क्या होगा? सी डिलीट फ्रॉम टीचेस. इस क्वेश्चन को हमने एक वीडियो में बताया था, लेकिन एक बच्चे ने पूछा था कि जब हम SQL से रिलेशनशिप को डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल का यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टीचर्स आंसर कैसे होगा. तो देखिए, डिलीट और ड्रॉप टेबल में डिफरेंस क्या है. डिलीट से अगर आप रिलेशन को हटाते हैं तो वो हमारे रोज को यानी कि टपल्स को डिलीट करता है, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर रहता है. अगर आपने ड्रॉप टेबल कमांड का यूज़ किया है तो वो टेबल के स्ट्रक्चर को भी ख़त्म कर देता है. तो यहाँ पे डिलीट द वैल्यूज़ को डिलीट करने की बात हो रही है, तो हम ड्रॉप टेबल यूज़ ना करके डिलीट से भी काम कर सकते हैं, इसीलिए आंसर सी होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्टिकुलर फॉर एप्लीकेशंस लाइक सॉर्टिंग लॉग फाइल इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंस इट ऑफर्स द बेस्ट राइट परफॉर्मेंस. क्वेश्चन का मीनिंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लॉग फाइल के स्टोर जैसे एप्लीकेशंस के लिए इनमें से कौन पॉपुलर है, क्योंकि ये बेस्ट राइट परफॉर्मेंस ऑफर करता है. करेक्ट आंसर होगा बी. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स पॉसिबली कंटेन्स द एरर्स. इनमें से कौन से स्टेटमेंट में एरर्स हैं? तो हम आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताते हैं. डी सिलेक्ट एमपीड यानी कि EMPID वेयर एमपीड इक्वल 1009 एंड लास्ट नेम इक्वल गेलर. ये स्टेटमेंट गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड सफिशियंट फॉर डिजाइनिंग अ नॉर्मल RDBMS. इनमें से कौन सा नॉर्मल फॉर्म एक नॉर्मल RDBMS को डिज़ाइन करने के लिए सफिशियंट माना जाता है? RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको लिख के बताना है, और इसका राइट आंसर होगा बी 3NF यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म. इन कंटेम्पररी डेटाबेस द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश Each of which can contains. तो इसका राइट आंसर होगा सी कैटलॉग स्कीमा. डेटाबेस में हायरार्की के टॉप लेवल में कैटलॉग होते हैं, जिसमें से हर में स्कीमा हो सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग क्रॉस टैब्स विद अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट. इनमें से किसे एक एट्रीब्यूट के फिक्स्ड वैल्यू के साथ क्रॉस टैब व्यू करने की प्रोसेस माना जाता है? ए पाइवोटिंग, बी डाइसिंग, सी स्लाइसिंग, डी बोथ ए एंड बी. तो इसका राइट आंसर होगा सी स्लाइसिंग. क्रॉस टैब का मीनिंग होता है सिंगल डायमेंशन. स्लाइस ऑपरेशन दिए गए क्यूब से एक पर्टिकुलर डायमेंशन का चयन करता है और एक नया सब क्यूब प्रोवाइड करता है, जबकि डाइस दिए गए क्यूब से टू और मोर देन टू डायमेंशन को सिलेक्ट करता है और एक न्यू सब क्यूब प्रोवाइड करता है. तो
तो क्वेश्चन में आपको क्रॉस टैब दिया गया है जिसका मीनिंग होता है सिंगल डायमेंशन। कभी कभी सिंगल डायमेंशन को भी क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, नहीं भी किया है तो आपको क्रॉस टैब से समझना है और स्लाइस पे टिक करना है। इन अ डेटाबेस वेयर द इंक्रिप्शन इज अप्लाइड द डेटा इज कांट बी हैंडल्ड बाय द अनऑथोराइज्ड यूजर विदाउट। एक डेटाबेस में जहां इंक्रिप्शन अप्लाइड होता है, डेटा को अनऑथोराइज्ड यूजर द्वारा हैंडल नहीं किया जा सकता है विदाउट प्राइमरी की, इंक्रिप्शन की, डिक्रिप्शन की या फिर ऑथोराइज्ड की। तो आंसर होगा सी, डिक्रिप्शन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल द डेटा व्हेन इंक्रिप्शन इज अप्लाइड टू द डेटा सो दैट अनऑथोराइज्ड यूजर्स कांट एक्सेस द डेटा। देखिए, पिछले क्वेश्चन को ही यहाँ पे अलग तरीके से पूछा गया है। डेटा पर इंक्रिप्शन अप्लाइड होने पर डेटा को कंट्रोल के लिए इनमें से कौन सी की नीड होती है ताकि अनऑथोराइज्ड यूजर डेटा तक ना पहुंचे, डेटा को एक्सेस ना कर सके। तो करेक्ट आंसर होगा बी, डिक्रिप्शन की। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू इशू मल्टीपल क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू एंड ग्रांट स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। एसक्यूएल में एक सिंगल ट्रांजेक्शन में मल्टीपल क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू और ग्रांट स्टेटमेंट इशू करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? क्रिएट पैकेज, क्रिएट स्कीमा, क्रिएट क्लस्टर, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा बी, क्रिएट स्कीमा। ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर स्टोर इन सेपरेट फोल्डर्स इन फिलिंग कैबिनेट्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटा का ट्रेडिशनल स्टोरेज जो कस्टमर द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, फाइलिंग कैबिनेट में अलग अलग फोल्डरों में स्टोर किया जाता है, किस टाइप की डेटा सिस्टम का एक एग्जाम्पल है? नेटवर्क, रिलेशनल, हायरार्किकल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आंसर होगा हायरार्किकल डेटाबेस। सिलेक्ट द करेक्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। इनमें से कौन सा सही डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता है? बेस टेबल, इंडेक्स, व्यू, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, व्यू। क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में काउंट कमांड का क्या यूज होता है? ए, रिटर्न्स टोटल वैल्यूज, रिटर्न्स नंबर ऑफ कॉलम्स, रिटर्न्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू, रिटर्न नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो आंसर क्या होगा? ए, रिटर्न्स टोटल वैल्यूज। इसलिए हम एसक्यूएल में काउंट कमांड का यूज करते हैं। तो ये थे अब तक 150 क्वेश्चन। अब आपको 5 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है, अगर आपको यूजफुल लग रहा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सेलेक्ट द करेक्ट कमांड टू मॉडिफाई अ कॉलम इन अ टेबल। टेबल में कॉलम को मॉडिफाई करने का सही कमांड कौन सा है? इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किए हैं, आपको आंसर देना है और वीडियो के लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन को आपने सही किए हैं। तो बात मॉडिफाई का हो रहा है तो आंसर होगा बी, अल्टर। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग द क्रॉस टैब, जिसे सिंगल डायमेंशनल भी कहते हैं, विद अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ 1 एट्रीब्यूट इज। इनमें से किसे एक एट्रीब्यूट के फिक्स्ड वैल्यू के साथ क्रॉस टैब व्यू करने की प्रोसेस माना जाता है? आंसर क्या होगा? ए, स्लाइसिंग।
Which of the following is generally used for performing task like creating the structure of the relations, deleting relations? राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को भी हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे, आपको डिटेल में समझाया गया है। जब भी आपको क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, रिलेशन के स्ट्रक्चर को क्रिएट करना हो या रिलेशन को डिलीट करना हो, इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। रेक्टेंगल्स इन ER डायग्राम रिप्रेजेंट्स, ER डायग्राम में रेक्टेंगल्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एट्रीब्यूट, टपल, टेबल, एंटिटी सेट। राइट आंसर होगा D, एंटिटी सेट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द AS क्लोज यूज्ड फॉर? AS क्लोज का यूज किस लिए किया जाता है? रीनेम, सेलेक्शन, प्रोजेक्शन, ज्वाइन। राइट आंसर होगा ए, रीनेम के पर्पस से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।